मॉर्निंग आपको मोबाइल बहुत होती है मोबाइल और एक नंबर एक पर है आपके देखें पहला लेसन क्लीनिंग है इसको डाटा प्रोग्राम से एक इनोम प्रणामों को कंप्यूटर से मिलती है नेट करते हैं जहाँ डाटा प्रोग्राम उनके दोनों प्रणामों को संचालित किया जाता है। यह भी डाटा प्रोग्राम उनके प्रणाम बिट बाइट के रूप में होता है। कंप्यूटर मेमोरी ये मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को समझते हैं क्या है। अभी आपने मेमोरी की परिभाषा सुनी, सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर डाटा प्रोग्राम संचित एवं परिणामों को संग्रहित किया जाता है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कंप्यूटर का वह भाग जहाँ डाटा प्रोग्राम संचित परिणाम आदि को संग्रहित किया जाता है मेमोरी कहलाता है। यह बिट और बाइट के रूप में संग्रहित होता है। प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले रैम है। रैम सामान्य मेमोरी होती है, यह डाटा का प्रयोग करते समय उसे क्षमता प्रदान करती है। यह अस्थिर प्रकृति की होती है, पहचान है रैम, जैसा इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी डाटा होती है, समय के बाद या विभिन्न अवरोध उत्पन्न होने के बाद डाटा जो लिखी हुई होती है उसमें समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये क्षणिक होती है और कितने बजे लिखी हुई डाटा समाप्त हो जाती है जो उत्पन्न होने क्योंकि प्रगति मेमोरी होती है वह अस्थिर होती है। अर्थात बहुत कठिनाई में बाधा मेमोरी को यह मुश्किल जाती है, इसके लिए हमेशा बहुत आवृत की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं, चलते पावर सप्लाई का, इससे क्या है विद्युत अवरोध ना, इसलिए समय समय पर हमें अपने सभी कार्यों को सुनिश्चित करते रहना चाहिए। लाइट की मात्रा है तो विद्युत एवं कार्य क्षमता को निर्धारित, यदि हमारे परिसर में लैंप पर्याप्त है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो सही कार्य करेगा, प्रगति से कार्य करेगा और काम करेगा तो लैंड और प्रोसेसर जो भी प्रमुख भूमिका कंप्यूटर में होती है। यह बाइट द्वारा मापी जा सकती है जो किसी एक अक्षर की पूर्ण होने के लिए आपके कीबोर्ड की मात्रा होती है। प्रकार रैम के तीन प्रकार हैं जो बताए हैं, डीपीएस, डीरैम, डीरैम और एफ रैम। डीपीएस
डाटा को सीपीयू से प्राप्त कर लेता है, इसके लिए वीडियो रैम का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टैटिक रैम है, देखें स्टैटिक रैम अपनी विषय वस्तु को रखते करती है तथा ऑन ऑफ बटन से ये निर्मित होती है। ये रैम के तीन भाग जो हमने पढ़े हैं अभी, डायनामिक रैम, वीडियो रैम और स्टैटिक। नेक्स्ट जो इसका जो भाग है प्राथमिक मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी में जो दूसरा भाग है रोम है, रीड ओनली मेमोरी, या फिर इसका नाम है ओनली यू कैन सी डाटा। तो रोम है, इस मेमोरी में इसके डाटा को केवल पढ़कर ही उपयोग किया जा सकता है, किसी प्रकार का परिवर्तन सीमा नहीं होगा। और रोम को हमने पढ़ा, यह स्थिर प्रकृति की है। ये इन दोनों में विशेष अंतर है, इसे ध्यान रखना है। रीड ओनली मेमोरी कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को, प्रकृति होने के कारण इसमें डाटा विद्युत अवरोध उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है। तो इस तरह के दूसरी जो है एफ मेमोरी है, इसके पहले जो हमने पढ़ा रीड ओनली मेमोरी, इसकी प्रकृति हमने जाना ये एक्सेस प्रकृति होती है, वैसे ही कैश मेमोरी की प्रकृति होती है, परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है, एक क्षेत्र में वृद्धि आती है। यह अधिकतर प्रयोग होने वाले डाटा को पूर्ण करती है, कैश मेमोरी की क्षमता है, रैम में यह नहीं होता। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी की, उसको देखते हैं। द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग उस समय करते हैं जब प्राइमरी मेमोरी डाटा प्रोग्राम को संग्रह करने में सक्षम होती है। यदि आपके सिस्टम में कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कार्य नहीं करती है, रैम उपलब्ध नहीं है या सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, ऐसे में जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका कार्य करना संभव नहीं होता। इसलिए प्राइमरी मेमोरी रैम रोम का सही तरह से काम करना आवश्यक है। सेकेंडरी मेमोरी में हम बात करते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, रजिस्टर। सबसे पहले हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी रोम सेकेंडरी मेमोरी है और रजिस्टर भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माण मैग्नेटिक डिस्क द्वारा किया जाता है। ये एक केंद्र के चारों तरफ घूमती है जिसमें रीड ड्राइव हेड लगा होता है। ये ड्राइव के अंदर ही फंस जाती है, इसे बाहर निकालना कठिन होता है। ये बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। इसमें हार्ड डिस्क में आप को स्टोर कर सकते हैं।
What do they try to do here? Mudhi for 0.5 inch.
और
और एस
ये आज के लिए सारे